पाकिस्तानी ज़रा मैं काम करूँगा। थैंक यू अमल। Yeah. Habibi, yeah. I am really very hungry. Hoi 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 hoi. भाई हमारे बड़े ज़बरदस्त, इन्होंने हमें जी काबा व्यू गिफ्ट किया कॉम्प्लीमेंट्री, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और दोस्ती कर रहा हूँ अभी, इसलिए अब आने वाले सालों में मुझे उनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली नहीं, वैसे भी इसे वेरी नाइस किया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू। इस डोनट के लिए मैं जितना ख्वार हुआ हूँ ना, वो कुछ लोगों की ये फेवरेट चेन है डोनट्स की, जो कि वाकई डिज़र्व भी करती है। क्रिस्पी क्रीम के जो डोनट्स होते हैं भाई, ओफ। Again, what will you say? Umrah Mubarak. Umrah Mubarak. Yes, what will you say again? Ami ji, Abu ji, Umrah Mubarak. Yes. अच्छा जी, सुबह के हो रहे हैं तकरीबन 4:15 और अभी अभी हम उमरा करके फ्री हुए और आए हैं हमारे जो होटल है उसकी लॉबी के साथ ही कनेक्टेड एक मॉल है क्लॉक टावर में, वहाँ पे हम आए। ये भाई आखिरी हमारा ऑर्डर है और ये बच्चा बड़ी देर से, बड़ा क्यूट बच्चा है, बड़ी देर से अंकल कह जा रहा है, व्हाट डू यू वांट अंकल। सो बस अभी नाश्ता करेंगे और जाके, नींद ही बहुत ज़्यादा आई हुई है, फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं। और मुबशिर जो कि मेरा दोस्त, जिसके फादर और मदर के साथ हमने भी, इसके फादर हैं डॉक्टर खालिद अंकल हमारे, उनकी हमने बर्थडे की थी मुबशिर, और मुबशिर ने दिया सरप्राइज़ भाई, वो आ रहा है अपनी फैमिली के साथ उमरा करने परसों। और एक्साइटमेंट अब ज़्यादा है क्योंकि बड़ा ग्रुप हो जाएगा, अम्मी अबू भी साथ हैं और दोस्त भी होगा, फिर उसके फादर वो भी हमारे अम्मी अबू की तरह ही हैं, तो एक अच्छा एक फैमिली ग्रुप बनने वाला है एक सारे। अच्छा जी, उमरा करने के बाद जो है वो फैमिली वाले तो सारे सो गए, बट मैंने ये सोचा कि मैं नाश्ता किए बगैर नहीं सोऊंगा, और अभी तक आई थिंक 5th डे है ये हमारा पूरे ट्रिप का और मैंने एक भी नाश्ता मिस नहीं किया पंक्चुअलिटी, क्योंकि मैं फजर की नमाज़ पढ़ के नाश्ता करके ही सोता हूँ। सो आई एम हियर एट दिस रेस्टोरेंट फॉर ब्रेकफास्ट। दोस्तों आज हमारा तकरीबन 2nd डे मक्का के अंदर और इस वक्त हम आ गए हैं गारे हिरा। अच्छा पहले 2 दफ़ा मैं उमरा कर चुका हूँ लेकिन कभी आज तक मैंने गारे हिरा एक्सप्लोर नहीं किया, गारे हिरा में जाके नफिल नहीं पढ़े थे, तो इस दफ़ा मैंने सोचा क्योंकि अम्मी अब्बू साथ हैं तो हम गारे हिरा इस दफ़ा लाजिम में जाऊँगा। मैं आया हूँ प्रॉपर तैयारी के साथ, जॉगर शॉगर पहन के प्रॉपर, एक अदद रेडबुल ताकि थोड़ी सी रेडबुल के व्यूइंग्स, एक अदद मैंने लिए जी रेडबुल ताकि थोड़ा एक्टिव हो जाऊं, और 2 लिए साल लीमू पानी, लेमन मिंट, ये लीमू पानी और एक रेडबुल, तैयारी पूरी है, लेट्स गो। और जाना है हमें वो टॉप पे, तो तैयारी पूरी है, लेट्स गो। ये वैन वाला मिला है, स्कूल की वैन याद आ गई, ये 5-5 साल देखे कह रहे हैं आपको एक पॉइंट तक छोड़ दूंगा, चलो लेट्स गो। अच्छा जी, here we are going with these small streets. Hoy. Ye lag raha hai death race ki shooting kar rahe hai. Say hi, hello. Hi, hello. Hello. You tell. Huh? You tell. Make a guess. Make a guess. Andaza. Pakistan. Of course. Good guess. Tajarbekar. How are you, Pakistan? Alhamdulillah. Pakistan Zindabad. We are here and we have to go over there.
आधा रास्ता पूरा हो चुका है तकरीबन और आधा ही बाकी है। अल्लाह ताला करा है भाई, अभी तक सांस तो नहीं फूला मेरा, देखते हैं कहाँ तक स्टेमिना जो है वो साथ देता है। देखिए एक्सरसाइज करने का ये बड़ा फ़ायदा होता है, जिम करने का स्टेमिना बन जाता है, इसीलिए एक्सरसाइज जब भी करें साथ कार्डियो ज़रूर करें आप लोग भी, स्टेमिना जो है वो भैया बहुत ज़रूरी है। अमल की तबीयत भी खराब है, स्टिल शी इज हैविंग आइसक्रीम। जिद कर रही थी इसलिए मैंने बोला चलो खैर है कोई बात नहीं। मम्मा इज वेरी एंग्री, कॉफी इज रेडी। ओहो हो हो हो, ये कैसी कॉफी है भाई, दो दरिया लग रहा है ये तो। अच्छा जी, आज है हमारा मक्का में सेकंड डे और फर्स्ट टाइम इस पूरे उमरा ट्रिप के अंदर जो है वो एमन हमारे साथ मौजूद हैं नाश्ते की टेबल पे, और मुझे देख के इंस्पायर हो के आई है, कह रही है कि यार बनी तुमने एक भी नाश्ता मिस नहीं किया भाई, टैलेंट है, एक भी सिंगल नाश्ता मिस नहीं किया है। अभी तकरीबन आज 6th ब्रेकफास्ट है मेरा, एंड हैरत की बात यह है कि सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे हैं और मैडम अभी तक जा रही हैं, और पता नहीं सुबह जुम्मा भी है कब सो के उठेगी। आई थिंक स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट, अभी थोड़ा सा चला दिया उन्होंने अंडा, चल बहुत मजा आ गई। ऑर्डर नंबर 229, ये जो नंबर है ना इस नंबर में क्यों मसला है। हबीबी आई एम रियली वेरी हंग्री, गिव मी माय बर्गर। पूछ यार हाजा फिल किंता टाइम लाजवाल, बाकी कम जगह है क्या हबीबी, तो पछतो लग रहा है। अभी थोड़ी देर में बोलेगा डबल 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 कम जाता है ला कर रहा शराशा ये तो मुझे लग रहा है गाली बकवा रहा है मुझसे, बाद में वो मुझे पकड़ के पकड़ लेगा और तू निकल जाएगा, बोलेगा मैंने नहीं इसने बोला नहीं हूं ना, आज फील रिस्पांसिबल। आप दो ना, आप दो ना, कहना शुक्रिया ये अभी भी अगर इसने मुझे नहीं दिया ना, बी नेचुरल ये मेरा ही है। हाँ शुक्रिया हबीबी, रहमत नसीब, मैं भूखा हूँ नीचे भूखा हूँ और साथ नंगा भी हूँ क्योंकि रियाल 78 का हो गया है, इसलिए मैं भूखा हूँ और मैं नंगा भी हूँ। सो गाइस दिस इज आवर सेकंड लास्ट डे इन मक्का और सेकंड उमरा विच वी आर परफॉर्मिंग राइट नाउ, विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म राइट नाउ, और अभी हम आए इस वक्त आयशा मस्जिद ताकि आप मक्का की हदूद से बाहर हो जाएं फिर आप उमरे की नियत करें। और इस दफ़ा इस उमरे में मेरे साथ हैं पूरी पूरी फैमिली और साथ है मुबशर मेरा दोस्त जो कि जिसका वीज़ा नहीं लग रहा था और बड़ी मुश्किलों से उसका वीज़ा लगा, और उसके पेरेंट्स हमारे साथ हैं। सो बस अब हम वेट कर रहे हैं उन लोगों का कि जल्दी से वो पढ़ के आ जाए नियत करके ताकि फिर हम निकलें। अच्छा रात के इस वक्त 11 बज रहे हैं विच इज़ दी बेस्ट टाइम टू परफॉर्म उमरा आई थिंक लाइक दैट, बिकॉज 2-3 दिन से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि यार ये जो टाइम होता है ना 10, 10:30, 11 बजे का, इससे लेके 12-1 बजे तक कम रश होता है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि 1 बजे वो लोग आ जाते हैं उमरा करने जिन्होंने तहज्जुद और फजर पढ़ के घर जाना होता है, और उससे पहले इशा की नमाज का रश होता है। तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम है और चलते हैं देखते हैं, वैसे तो सारे टाइम बेस्ट हैं लेकिन ये कि कम रश वाला जो टाइम होता है उसमें ज़रा आपको थोड़ा करीब जाने का मौका मिलता है,
खाने काबा को बुसा देने का मौका मिलता है, सही में आपको आसानी होती है। सो लेट्स सी कितना रश मिलता है आज। अमल कैन यू गेट मी आप जमजम? यस कैन यू गेट मी? थैंक यू अमल। जी गाइस सो फाइनली वी आर लीविंग फ्रॉम मक्का और अभी इस वक्त हम गले में बेसमेंट में इसकी आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही होगी, पीछे गाड़ी तैयार है, अभी जा रहे हैं जद्दा एयरपोर्ट। बहुत ही मज़ेदार ट्रिप रहा मक्का, तो मतलब आखिरी दिन ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ऐसा हो जाए, दो तीन दिन और मिल जाए, बट वॉज अ वेरी 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 गुड ट्रिप, बहुत मेमोरेबल, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब जा रहे हैं जद्दा एयरपोर्ट और उसके बाद वहाँ से है जी शारजा में 3 दिन का, मतलब शारजा तो वैसे ट्रांसलेट है लेकिन दुबई में है 3 दिन का स्टे, और जहाँ पे मेरा दोस्त हमदान मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। शारजा के सफर के लिए रवाना हो रहे हैं और बहुत शोर है, आवाज़ नहीं आ रही भाई।